अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग देख रहा है मेरा यूट्यूब चैनल ट्यूबर रोबियुल, साथ में मैं हूँ रोबियुल हसन। आज की वीडियो में हम बता दूंगा कैसे बैंक मास्कट की एटीएम बूथ से दूसरा कोई को अकाउंट में रियल सेंड करना है। तो मैं मेरा एक दोस्त को अभी रियल सेंड करेगा। तो आप लोगों ने अगर मेरा इस वीडियो को पहले से आखिर तक देखेगा तो आप लोगों को पता लग जाएगा कैसे बैंक मास्कट से दूसरा कोई को अकाउंट में रियल सेंड करते हैं। चलिए शुरू करते हूँ। दोस्तों, मैं अभी बैंक मास्कट की एटीएम बूथ में हूँ। अभी यहाँ से मेरा एक दोस्त को मैं रियल सेंड करेगा। तो पहले मशीन के अंदर आपको कार्ड डालना चाहिए। मैं मेरा कार्ड डाल दिया। मशीन में जब कार्ड एक्सपेक्ट होगा, इसके बाद आप लोगों को आगे ऐसा एक पेज आ जाएगा। अभी यहाँ से आप लोगों को लैंग्वेज सिलेक्ट करना। तो मैंने इंग्लिश सिलेक्ट किया। इसके बाद थोड़ा टाइम प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद आपको कार्ड की पिन कोड डालना चाहिए। मैं मेरा कार्ड की पिन कोड डालते हैं। पिन कोड डालने के बाद थोड़ा टाइम प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद आपके आगे ऐसा एक पेज आ जाएगा। यहाँ से आप चाहे तो आपको बैंक अकाउंट की फ़ोन नंबर बदल सकते हैं। दोस्तों, मैं मेरा दूसरा वीडियो में बता दूँगा कैसे बैंक मास्कट की अकाउंट से फ़ोन नंबर चेंज करते हैं। तो दूसरा को अकाउंट में रियल सेंड करने के लिए इधर देखते हैं स्क्रीन की राइट साइड में अपडेट लेटर। तो अपडेट लेटर में क्लिक करना चाहिए। तो थोड़ा टाइम प्रोसेस होगा। लोडिंग लेने के बाद ऐसा एक पेज आ जाएगा। यहाँ से आप चाहे तो पैसा निकल सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से आपको फुल अकाउंट बैलेंस चेक कर सकते हैं। तो मैं बताता हूँ कैसे दूसरा को अकाउंट में रियल सेंड करते हैं। इसलिए देखिए, स्क्रीन की राइट साइड में ऊपर है फाउंड ट्रांसफ़र। तो आप लोगों ने फाउंड ट्रांसफ़र में क्लिक करिए। इसके बाद देखते हैं इधर चार ऑप्शन आ गया। यहाँ से देखते हैं नीचे है अदर बैंक मास्कट अकाउंट, नीचे है अदर बैंक अकाउंट इन ओमान। तो आपने अगर दूसरा बैंक अकाउंट में रियल सेंड करना है तो आपने अदर बैंक अकाउंट इन ओमान में क्लिक करना चाहिए। तो मैं बैंक मास्कट की दूसरा अकाउंट में रियल सेंड करेगा, इसीलिए अदर बैंक मास्कट अकाउंट में क्लिक किया। अदर बैंक मास्कट अकाउंट में क्लिक करने के बाद आप लोगों को आगे ऐसा एक पेज आ जाएगा। यहाँ है प्लीज़ इंटर द बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर। तो आपने जिसको अकाउंट में रियल सेंड करने के लिए आया, आपने उसकी अकाउंट नंबर इसमें लिखना चाहिए। तो मैं मेरा दोस्त की अकाउंट नंबर लिखता हूँ। तो नंबर लिखने के बाद आप इसमें कॉन्फर्म ऑप्शन में क्लिक करना है। इसके बाद देखते हैं थोड़ा टाइम प्रोसेस होगा। लोडिंग लेने के बाद ऐसा एक पेज आ जाएगा। तो यहाँ आपने अकाउंट नंबर और नाम देख सकते हैं। अगर इसमें कुछ गड़बड़ है तो आप यहाँ से कैंसिल में क्लिक करना चाहिए। तो मेरा इधर अकाउंट नंबर और नाम दोनों बराबर है, इसलिए इधर प्रोसेसड में क्लिक करना चाहिए। प्रोसेसड में क्लिक करने के बाद थोड़ा टाइम लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद ऐसा एक पेज आ जाएगा। तो यहाँ से आपको अमाउंट डालना चाहिए, यानी आपने कितना रियल सेंड करेगा उसी हिसाब से आपको लिखना चाहिए। तो मैंने यहाँ से 58 रियल 800 सेंड करेगा, इसलिए मैं लिखता हूँ 5880 तो हो गया 58 रियल 800। तो बाद में इधर कॉन्फर्म में क्लिक करना है। कॉन्फर्म में क्लिक करने के बाद थोड़ा टाइम लोडिंग लेगा, आपने थोड़ा इंतज़ार करें। लोडिंग लेने के बाद देखते हैं मशीन के ऊपर से एक कैश मेमो आ गया। अभी यहां आप देख सकते हैं आपने किसको अकाउंट में पैसा भेजा, कितना रियल भेजा, आप यहां से पूरा देख सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा इस वीडियो अगर आपके पास थोड़ा भी पसंद हो तो एक लाइक कर दीजिए और कमेंट करें और दोस्त लोग के साथ शेयर करिए। थैंक यू।